और यहाँ जमा होते हैं। ये है ट्रेजरी हाउस, खजाना महल, यहाँ खजाना जमा होता है। और ये है उसके दीवान आम हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, पब्लिक को यहाँ आम दरबार लेते हैं। आ जाइए, देखिए दादा यहाँ 200 ग्राम है, दो जगह है, जैसे कि आगरे के अंदर आपने देखा ताजन फूड, इस तरह की यहाँ दो जगह है फतेहपुर एंड सीकरी। पहले इस जगह का नाम था सीकरी, मुगलों में सबसे पहले आए अकबर के ग्रैंड फादर जिसका नाम था बाबर। बाबर ने जंग फतेह करी इब्राहिम लोदी से पानीपत के मैदान में 1526 में, और 1527 में यहाँ पर आए। इसके पीछे में एक मैदान है जिसको बोलते हैं खानवा का मैदान, बैटलफील्ड, जहाँ राणा सांगा और बाबर का युद्ध हुआ था। इस जगह को फतेह करने के बाद बाबर ने इसका नाम दिया फतेहाबाद। फतेह मीन्स विक्ट्री। अकबर यहाँ एक औलाद की खातिर, अकबर की कुछ संतान नहीं होती थी, यहाँ एक संत रहती थी जिनका नाम है सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती की दुआओं से लड़का पैदा हुआ जोधाबाई से, जिसका फर्स्ट नेम सलीम, आफ्टर टाइटल जहांगीर। जहांगीर की खुशी में जो कैपिटल अकबर ने यहाँ बनाया। ये बिल्डिंग 1570 स्टार्ट करी, 1582 कंप्लीट, 12 साल में ये किला बन के कम्प्लीट हुआ। उसके बाद 4 साल यहाँ पर रहे, 1586 में अकबर यहाँ से लेफ्ट आगरा चले गए, इसलिए कि यहाँ का पानी खारा था, यहाँ पानी की कमी थी, इसलिए अकबर यहाँ छोड़कर चले गए। तो अकबर यहाँ टोटल है 16 साल, इसलिए अकबर ने यहाँ दोनों नाम मिलाकर रखा फतेहपुर सीकरी, इसलिए फतेहपुर न्यू सिटी कहलाता है और सीकरी ओल्ड विलेज कहलाता है। तो पहले हम लोग सीकरी देखेंगे, रॉयल पैलेसेस, अकबर की रहने की जगह। उसके बाद चलेंगे हम फतेहपुर होली प्लेस, रिलीजियस पार्क, वहाँ सलीम चिश्ती की दरगाह, बुलंद दरवाज़ा, मस्जिद और शाही दरवाज़ा, वो फतेहपुर में। तो पहले हम लोग सीकरी देखें। ठीक है, ये आप जो प्लेस देख रहे हैं दादा, यह है उसका दीवान आम हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, पब्लिक कोर्ट, यहाँ आम दरबार लगता था बादशाह अकबर का। सामने जो केविन देख रहे हैं, वहाँ मिडिल सेंटर में बीच में बादशाह अकबर बैठती थी, उनके दोनों साइड में नौरतन बैठती थी, 9 मिनिस्टर्स। और ये कॉरिडोर जो देख रहे हैं, यहाँ उनके अधिकारी बैठती थी और इस ग्राउंड में आम पब्लिक बैठती थी। उस ज़माने में जो भी पनिशमेंट सजा सुनाई जाती थी आम पब्लिक के सामने। ये गार्डन के बीच में स्टॉल नज़र आता है, दिख रहा है आपको, ये स्टॉल का रिंग है। यहाँ हाथी बांधा जाता था, एलिफेंट, वो हाथी के सामने डाल दिया करते थे, हाथी पैर से दबा के ख़त्म कर दिया करता था। तो यह है उसका दीवान आम हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, पब्लिक कोर्ट, यहाँ आम लोगों की फरियाद सुनी जाती थी। ऊपर में आपको जो रिंग नज़र आती है पत्थर की, इसे यहाँ सामियाना बांधा जाता था धूप की वजह से। पहले ये गार्डन नहीं था, ये ग्राउंड पूरा प्लान था। अच्छा। ये गार्डन अभी बनाया गया है खूबसूरती के लिए। यह है दीवान आम, यहाँ आम सभा होती थी। अब आप लोग चलेंगे दीवान खास देखने के लिए, जहाँ राजसभा होती थी। आ जाइए, देखिए दादा सामने आप जो देख रहे हैं, यह है दीवाना खास, जहां अकबर की खास मीटिंग हुआ करती थी। ये बिल्डिंग बाहर से देखने से मालूम देती है डबल स्टोरी, मगर डबल स्टोरी नहीं है, सिंगल स्टोरी। इसके अंदर एक पिलर है, बहुत ही सुंदर बनाया गया। अकबर ने यहां एक मजहब चलाया था, दीन इलाही, दीन इलाही जो धर्म चलाया सारे धर्मों को मिलाकर, वो इसी जगह बैठ कर चलाया था। अंदर से आप पिलर देखेंगे, बहुत सुंदर बनाया गया। सामने जो चबूतरा देख रहे हैं, ये तुलादान की जगह है। यहाँ 1582 में जहांगीर का तुलादान हुआ था, और तोलने के बाद वो पैसा गरीबों में बांट दिया जाता था। तो यहाँ गरीब लोग बैठते थे, एक साइड में जेंट्स और एक साइड में यहाँ लेडीज, और सम टाइम यहाँ रंगमंच होता था। अब आप लोग अंदर चलेंगे, दीवान खास देखेंगे। Thank you.
इदारा यह है दीवान खास, जहाँ की खास मीटिंग हुआ करती थी। इसके ऊपर वाले बादशाह अकबर बैठती थी और इसके 10 दरवाजे हैं चारों तरफ, 9 दरवाजों में 9 मंत्री, एक गेट आने जाने के लिए। अकबर ने यहाँ एक मस्जिद चलाया था, दीन इलाही जो धर्म चलाया सारे धर्मों को, उसके मुताबिक इस पिलर के ऊपर आर्किटेक्चर जैन धर्म का निर्माण। उसके बाद में है जी पर्शियन फ्रॉम ईरान, उसके बाद में है जी क्रिश्चियन कैथोलिक चर्च बनाए गए, उसके बाद में है जी मुस्लिम, उसके बाद ये हिंदू लॉटस फ्लावर, उसके बाद में है जी बुद्धिस्ट। नीचे जो देख रहे हैं सुराई उमर खयाम, ये मुगल आर्किटेक्चर। दीन इलाही के, दीन इलाही का मीनिंग होता है, दीन मीन्स रिलीजन, इलाही मीन्स गॉड। उसने कहा दौड़े के एक रास्ते से बादशाह अकबर जाए करते थे और दूसरे वाले से मंत्री जाते थे, दो रास्ते। देखिए इधर आइएगा। हाँ देखिए, अकबर ने तीन तरफ किले का दीवार बनवाया था 6.5 मील के एरिया में, 6.5 माइल 10 किलोमीटर, जिसके 9 दरवाजे बनवाए थे। जिस गेट से आपकी कार आई है उस गेट से बादशाह अकबर आते थे, उस गेट का नाम है आगरा गेट, और 8 गेट आम पब्लिक के लिए थे। तो 3 साइड में किले का दीवार और 34 साइड पानी का लेक, इसको कहा जाता है मोती झील। ये झील का मैदान है। उस जमाने में इस मैदान के अंदर पानी भरा रहता था, आजकल किसान खेती करते हैं इसलिए पानी नहीं भरने देते। यह अकबर के समय का डैम है जहाँ पानी रोका जाता था, वो ट्रैफिक जा रहा है ना, हाँ। तो अकबर के समय का डैम बना हुआ है। अच्छा। और जो ओल्ड विलेज है सीकरी गांव, यहाँ संतराज लोग रहते थे, पत्थर के तराशने वाली स्टोन कटर, और ये पानी का टैंक है। उस जमाने में यहाँ पानी की कमी थी, जितना भी जो बारिश का पानी है रेनी सीजन वो यहाँ स्टोर करते थे, रन हार्वेस्टिंग, उसके बाद में हमाम बाथरूम वगैरह की यूज में लेते थे। और ये है ट्रेजरी हाउस, खजाना महल। हाँ देखिए, इसके 3 रूम बनाए गए हैं, 1, 2 और 3। तीनों रूमों के अंदर इस तरह के आले हैं, ये आले अंदर से खाली हैं। उस जमाने में यहाँ खजाना रखा गया था जब खजाना महल अनकम्प्लीट था। जब खजाना महल दूसरी जगह कंप्लीट हो गया, खजाना वहाँ शिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद में उसको हार्ड एंड सिंह आंख मंचूरी बना दी। जब बादशाह अकबर फ्री माइंड में होते थे, तीनों रानियों के साथ आकर आंख मंचूरी खिला देते थे। जैसे कुछ गिफ्ट देना होता था इनाम, वो यहाँ छुपा दिया और रानियों को बाहर खड़ा कर दिया। बाद में बोलते थे कि ढूंढ कर लेकर आए, जो ढूंढ कर लेकर आती थी उसके गिफ्ट वहाँ आया। उसके बाद तीनों रानियों की आंखों से पट्टी बांध दिया करती थी और इन गलियों में घूमते थे, उनके पीछे ला दिए। जो रानी उनको छूती थी उसको भी गिफ्ट दिया जाता था। इस तरह से गलियां बनती थी। हाँ देखिए, सामने आप जो देख रहे हैं यह है एस्ट्रोलॉजर सीट, ज्योतिषी के बैठने की जगह। अकबर के टाइम एक ज्योतिष थे जिनका नाम था पंडित परसोत्तम दास, वो यहाँ बैठते थे। बाद से अकबर सुबह उठने के बाद अपनी भविष्यवाणी पूछते थे, आज क्या होने वाला है, और उनको जो सपना होता था उसको ट्रांसलेट कराया करते थे। यह हाथी का चेहरा बनाए, शरीर मगर का है, मगर तो डिजाइन है जैसे जैन आर्किटेक्चर से, जैन धर्म का डिजाइन। अब आप लोग चलेंगे पंचमहल देखेंगे। भाई এই জায়গা আমি কি পরিমাণ যে দেখছি আমরা দুইজনে ভিডিওতে, পঞ্চমহল ইসলি কে হ্যাঁ কি 5 মঞ্জিল হ্যাঁ, আর বেশি ইসকো কাহা জাতা হ্যাঁ হওয়া মহল। বাদশাহ আকবর চাঁদনি রাত কে উপর বৈঠকর খুলি হওয়া কা আনন্দ লিয়া করতে, और आनिया भी पर जाएगा।
ये बना हुआ है 176 पिलर के ऊपर, 176 पिलर। इसके ग्राउंड फ्लोर में 84 है, 84, उसके बाद में है 56, उसके बाद 20, फिर 12, फिर 176। इसका जो डिज़ाइन है, वो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, पैगोडा डिज़ाइन, जिस तरह बुद्धिस्ट लोगों के मंदिर होते हैं ना, ऐसा नहीं रहा। और अकबर की मुस्लिम रानी ईद बकरीद का चांद देखा करती थी, हिंदू रानी सूरज को जल दिया करती थी, और कृष्ण रानी हवा के लिए, इसलिए उसका हवा महल कहते हैं। पंचमहल इसलिए कहते हैं कि पांच मंजिल है। बादशाह अकबर नीचे वाले रास्ते से जाते थे, और तीसरी मंजिल से रास्ता जुड़ा हुआ है रानियों के लिए ऊपर देना। सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये गर्ल्स स्कूल है लड़कियों का, उस जमाने में यहाँ चली और दासियों की लड़कियों को तालीम दी जाती थी। अरबियन फारसी के नीचे वाले पोर्शन में ऊपर वाली जो मंजिल है लाइब्रेरी, जहाँ पुस्तकें रखी जाती है। और यह है गैमा पक्षी से, जिसको चौपड़ का खेल कहा जाता है। ये पत्थर जो देख रहे हैं, स्टोन दिख रहा है आपको, यहाँ बादशाह अकबर उनकी तीनों रानियां बैठकर पासा फेंकती थी डाइस, और जो गोटियों के निशान मैंने चारों तरफ दिख रहा है आपको। उस जमाने में यहाँ गोटी की जगह लड़कियां खड़ी होती थी, गर्ल्स, हर कलर की ड्रेस पहनाकर लड़कियों को खड़ा किया जाता था। और जब गोटी चली होती थी, लड़कियों की सारा किया, लड़की अपनी जगह से जब दूसरी जगह आती थी तो वो डांस करती हुई आती थी। गेम भी होता था और इंजॉय भी होता था। अकबर बहुत ही शौकीन मिजाज थे, जस्ट लाइक लूडो, लूडो होता ना ऐसा गेम। अच्छा, यहाँ बहुत सी पिक्चरें बनी है, लाल पत्थर आपने देखी हो, मुगला आजम, हीर रांझा, गर्म हवा, यतीम, परदेश और जोधा अकबर। देखिए इधर सुनिएगा, सामने जो तालाब देख रहे हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है अनूप तालाब। अनूप का मतलब होते हैं सुंदर, और उर्दू में इसको कहा जाता है चार चमन। इसके चार रास्ते हैं, बहुत ही खूबसूरत तालाब बनाया गया। ये वो जगह है जहाँ की तानसेन ने बैठ कर दीपक राग गाया था, जिससे कि दीपक जल गए थे। उसके बाद यहाँ तानसेन और बैजुबावरा का कंपटीशन हुआ। बैजू बाबा ने मैग मल्हार गाया था, जिससे कि बारिश हो गई। और ये स्टेज जो देख रहे हैं यहाँ बादशाह अकबर, ये पिलर जो बना, इसके पीछे अकबर के नौ टाइम मिले, और अकबर की जो तीनों रानियाँ थी वो यहाँ बैठती थी ऊपर में। उस जमाने में इस तालाब पानी से फुल रहता था, जब ये चलता था तो पानी मिल जाएगा, और जो बिल्डिंग से बैक आवाज होती थी तो इको साउंड बन जाएगा। तो तानसेन के बैठने की जगह है, इसको अनूप तालाब कहा जाता है। पिक्चर आपने देखी परदेश शाहरुख खान की, लास्ट में कव्वाली फिल्माई गई है, वो यहीं का सीन है, इसी जगह पर। आप जो भी ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं जोधाबाई पैलेस। आ जाइए, महल नीचे से समर पैलेस, ऊपर वाली मंजिल विंटर पैलेस। ये बादशाह का बेडरूम है इसके अंदर, यहाँ बादशाह अकबर आराम किया करते थे। इस महल को कहा जाता है ख्वाबगाह महल, सपना महल, ड्रीम पैलेस। ये ऊपर से विंटर पैलेस बना हुआ है, नीचे वाला समर पैलेस, और ठंडा रहता है। और इसके ऊपर में जो डिजाइन है वो राजस्थानी झुमके का डिजाइन, राजस्थानी झुमके होते हैं ना एयरिंग्स, 150 एयरिंग्स बनाए गए हैं, हर एयरिंग्स का डिजाइन अलग है, देखने में एक से नजर आते हैं कहीं कहीं डिफरेंट। एक्चुअली जोधा बाई के नाम से रखा गया है, मगर तीनों वाइफ और बादशाह अकबर का खाना यहीं बनता था। और ये है अकबर की क्रिश्चियन वाइफ का महल, मरियम पैलेस। इसके अंदर पेंटिंग की कारीगरी थी। उस जमाने में सुनहरा महल गोल्डन पैलेस के नाम से जाना जाता था। इसके चार रूम बनाए गए हैं, आगे वाले रूम चर्च है, ये उसका बेडरूम है, बीच में गेस्ट रूम, उसके बाद डाइनिंग। ये महल नीचे से विंटर पैलेस, ऊपर वाली मंजिल समर पैलेस। ये अकबर की क्रिश्चियन वाइफ का महल मरियम पैलेस, वो आगे रहने वाली थी। आ
देखिए सामने आप जो देख रहे हैं गार्डन, यहाँ पेड़ लगे हुए हैं, जो उस जमाने का मीना बाजार है। उस जमाने में यहाँ लेडीज मार्केट लगती थी, ईरान के सौदागर लोग आए करती थी, लेडीज यहाँ दुकानदार होती थी, लेडीज यहाँ शॉपिंग करती थी। मीना मीन्स ज्वेलरी, ईयरली टू टाइम यहाँ मार्केट लगती थी। और यह है अकबर की हिंदू रानी का महल जोधाबाई पैलेस। हाँ देखिए दादाजी, अकबर की हिंदू रानी का महल है जोधाबाई पैलेस, बिल्कुल हवेली स्टाइल, जिस तरह राजपूतों की हवेलियाँ होती। ये सामने वाला जो पैलेस है ये उसका समर पैलेस, ये बैक साइड से खुला हुआ है, पत्थर की जालियाँ लगी। उस जमाने में यहाँ खसकी चटाई लगा दिया करती थी, पानी छलक दिया करती थी, और जब झील के पानी से टकरा कर हवा आती थी तो बहुत ही ठंडा हो जाता था। ये उसका समर पैलेस गर्मी के रहने के लिए। ऊपर में आपको जो छतरी नजर आती है जी, दासियों की बैठने की जगह, दासी हुआ करती थी नौकरानी, उनके देख रेख के लिए यहाँ बैठा करती। ऊपर जो पेंटिंग नजर आ रही है ब्लू कलर की, वो चाइनीज पेंटिंग है, 440 ईयर्स ओल्ड और डिजाइन भी चाइनीज। इसके लेफ्ट हैंड पे देखें जो उसका विंटर पैलेस, पैलेस देखने में दोनों एक से नजर आते हैं। ये बैक साइड से खुला हुआ है, ये बैक साइड से क्लोज। इसके पीछे में फायर प्लेस बने हुए हैं, उस जमाने में आग जला दिया करती थी, इससे की हीट और सूरज की जो किरणें पड़ती हैं उससे भी हीट मिलती थी। कॉर्नर में जो रूम नजर आते हैं जी, दासियों की रहने की जगह, नीचे वाले पोर्शन में दासियां रहती थी, ऊपर रानी रहती थी। ये गुम्बद जो नजर आता है वो सिक्योरिटी गार्ड रूम है, इसके चारों साइड में बना हुआ। बीच में आप जो देख रहे हैं यहाँ तुलसी का पौधा लगा हुआ था, वज्र प्लांट। पहले यहाँ गॉड को वर्शिप करती थी, उसके बाद में अपने मंदिर में जाती थी, वो उसका मंदिर है जहाँ वो पूजा करती थी। सामने आप जो यहाँ थे वो तुर्कू थे, तुर्की समझे, तुर्किश, हाँ तुर्किश। और जी लोग जो मंगोल से आए थे समझे, इसलिए बाबर ने पहला अटैक किया था। बादशाह अकबर ने यहाँ बैठकर इबादत की थी सामने, इसको इबादत खाना बोलते हैं। ये खंडर हो गया, टूट गया, समझे, इधर आइए दादा। हाँ, और ये है शाही दरवाजा किंग्स गेट। बादशाह अकबर एवरी फ्राइडे हर जुमे के दिन अपने महल से निकलकर अंदर जाते थे। चले बादशाह अकबर एवरी फ्राइडे जुमे के दिन इस गेट से जाती थी। इस गेट को बोलते हैं बादशाही दरवाजा। सामने वाला जो गेट है उस गेट को बोला जाता है मेन गेट, बुलंद दरवाजा। उसका हाइट 134 फीट और 176, समझे, आर्च उसका 90 फीट है। आर्च में गेट दुनिया के अंदर माना हुआ है, ऊंचाई में एशिया माना हुआ। यहाँ बादशाह अकबर एवरी फ्राइडे आके नमाज पढ़ते थे। वो सामने दरगाह है सलीम चिश्ती का, वाइट मार्बल का। इन्हीं की दुआ से अकबर का लड़का पैदा हुआ, जिसका पहला नाम सलीम, बाद में उसका जहांगीर। अकबर ने इसको पहले बनवाया था लाल पत्थर का। जहांगीर ने सोचा मैं इनकी दुआ से पैदा हुआ हूँ इसलिए अच्छा बनवाऊँ। जहांगीर ने लाल को हटाकर वाइट कराया। यह उनके पोते का मजार है, सलीम चिश्ती के पोते का। और ये कब्रें जो देख रहे हैं ये हजरत की फैमिली के लोगों की, सलीम चिश्ती वंश। आज भी मुस्कू मरता है, उसका डेड बॉडी यहीं दफनाया जाता है।
आप उधर से फोटो खींच के हाजरी देख के मजार पे बुलंद दरवाजा देख के बात के आ जाना, ठीक है। वीडियो है हाँ। हम लोग आ गए अब इंडिया गेट घूमने, 10 मिनट के लिए हम रुकेंगे यहाँ। इधर पार्क है ब्रो, इधर लेफ्ट साइड में। हाँ लेफ्ट साइड में इंडिया गेट का पार्क है, ये बाद में देखेंगे, आ जाओ। और दाएं तरफ जंगल है और ये हम हैं, अब हम पार्टी करेंगे।